नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन इज अ ब्लॉक ऑफ मास पॉइंट टू के जीज सस्पेंडेड फ्रॉम द सीलिंग बाय अ लाइट स्ट्रिंग द सेकेंड ब्लॉक ऑफ मास पॉइंट थ्री के जी सस्पेंडेड फ्रॉम द फर्स्ट ब्लॉक थ्रू अनदर स्ट्रिंग सवाल है फाइंड टेंशन इन द टू स्ट्रिंग्स और जी की वैल्यू में क्या है टेन ले सकते हैं ना सिंपल सवाल है स्नैरियो ये है कि यह आपकी एक ब्लॉक एक रस्सी है उस पर आपने जीरो पॉइंट टू के जी का ब्लॉक ऐसे लटकाया दूसरी रस्सी है जीरो पॉइंट थ्री के जी का ब्लॉक ऐसे लटकाया है लेट्स कॉल दिस टेंशन टी वन और लेट्स कॉल दिस टी टू हमें टी वन टी टू की वैल्यू बतानी है ना सिंपल सवाल है अगर आप इस uh, का एफ बी डी बनाएंगे सो so, नीचे तो आपका फोर्स लग रहा है mg और ऊपर फोर्स लगेगा t2 टू so, सो इस केस में क्योंकि इक्विलिब्रियम है बॉडीज़ कहीं मूव नहीं कर रही है सो टी टू विल बी इक्वल टू एम और दिस विल बी इक्वल टू विच एम्प्लाईज t2 टू विल बी इक्वल टू एम इसका है 0.3 मल्टीप्लाइड बाई टेन दैट विल बी इक्वल टू थ्री न्यूटन तो इसकी टेंशन तो आपकी तीन न्यूटन आ गई ना इसकी अगर हम बात करेंगे इसका अगर एफ बनाएंगे सो so इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनेगा नीचे आपके लग रहा है इसका एम प्लस टी टू क्योंकि इस डायरेक्शन में टी टू इसको नीचे लग रहा है ये बात हम थ्योरी में कर चुके हैं कि टेंशन इज ऑलवेज पुलिंग तो इसकी टी टू की इस ब्लॉक के लिए नीचे की तरफ डायरेक्शन हो जाएगी थ्योरी में बात कर चुके हैं स्पाइडरमैन बनाओ मकड़ी का जाला एंड ऑल लेट्स ऑफ और ऊपर यहाँ पे आपका फोर्स लग रहा है टी वन नाओ क्योंकि इक्विलिब्रियम है विच एम्प्लाईज टी वन विल बी इक्वल टू इसका एम जी प्लस टी टू तो इसका एम जी अगर हम लिखेंगे सो दिस विल बी जीरो पॉइंट टू मल्टीप्लाइड बाय टेन प्लस टी टू की वैल्यू ऑलरेडी तीन आ चुकी है सो विच एम्प्लाईज़ आपका टी वन विल बी इक्वल टू फाइव न्यूटन सो आपकी दो वैल्यूज़ हो जाएंगे सो दिस टेंशन इज़ फाइव न्यूटन एंड दिस इज़ आपकी थ्री न्यूटन सो दे विल बी आर फाइनल आंसर्स